20 अप्रैल 2023 और आज है वर्ल्ड एनिमल वैक्सीनेशन डे। आज का डे मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे पेट सैंडी के लिए, बिकॉज सैंडी वॉज विथ आवर फैमिली फ्रॉम 2007 टिल 2020। तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इन हैंडल्स को फॉलो कीजिए, जिससे कि हमें सपोर्ट भी मिले और इस तरीके की डेली नॉलेजफुल वीडियोज आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड एनिमल वैक्सीनेशन डे को सेलिब्रेट करने का मेजर रीज़न है एक अवेयरनेस स्प्रेड करना इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल वैक्सीनेशन को लेके। अगर वैक्सीनेशन या फिर एनिमल वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में जाए तो हम पहुँचते सीधे 1885 में, जब लुईस पाश्चर ने पहली बार रेबीज के लिए एक वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था, क्योंकि उस टाइम पे रेबीज एक बहुत ही डेडली डिजीज था जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को अफेक्ट कर रहा था। और इस वैक्सीनेशन के आने के बाद काफ़ी कंट्रीज में रेबीज का इरेडिकेशन हो गया। फिर उसके बाद 1924 में, आज ही के दिन मतलब 20 अप्रैल 1924 में, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ का फाउंडेशन रखा गया। तो स्टार्टिंग में इसका इनिशियल नाम था इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ एपिजोटिक्स, जिसे कि 1931 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के नाम से कन्वर्ट किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस था कि वर्ल्ड वाइड एनिमल्स की हेल्थ और उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड जो भी एनिमल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स थे उसको कोऑर्डिनेट करवाना और हर कंट्री तक इसे पहुंचाना। और उसी के चलते फिर 2016 में 20 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने मिलकर वर्ल्ड एनिमल वैक्सीनेशन डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया। इस डे को सेलिब्रेट करने का रीजन था कि एनिमल वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस हर किसी तक पहुंचाई जा सके और हर किसी को बताया जा सके कि हाँ, एनिमल्स की वैक्सीनेशन किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। तो हमारे प्यारे एनिमल्स के इस प्यारे से वेलफेयर डे के लिए आज है 20 अप्रैल 2023 और आज है वर्ल्ड एनिमल वैक्सीनेशन डे। आप अगर एक पेट ओनर है तो आज के दिन अपने पेट की वैक्सीन के बारे में जरूर चेक कीजिए कि क्या उनकी वैक्सीन कंप्लीट है या कोई पेंडिंग है, और अगर पेंडिंग है तो उसको जल्द से जल्द करवाइए, बिकॉज एनिमल्स के लिए हम ही उनके सब कुछ है। तो इसी तरीके की नॉलेजफुल और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के लिए फोकट का ज्ञान को फॉलो कीजिए और फोकट का ज्ञान लेते रहिए।